मैं कुछ और बताऊं उससे पहले ये कहना चाहूंगा कि हम सब बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द ना ही हमारे राज्य के, पूरे देश के, पूरी दुनिया के लोगों को इस बीमारी से निजात मिले। दोस्तों, मैं जब गुजरात हाईकोर्ट में था, एक किस्सा बहुत साल पहले में साथियों से और सेक्रेटरीट से और हाईकोर्ट से जुड़े हुए सभी को मैं पहले विनम्र प्रणाम करता हूँ। जतन अपना और इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले हमारे त्रिपुरा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आदरणीय अखिल कुरेशी जी, मेरे साथी और सीनियर मिनिस्टर लॉर्ड कैप्टन श्री रतनलाल नाथ जी, और बहुत झगड़े थे अंदर में, सेपरेशन हो चुका था। हस्बैंड का कहना था वाइफ घर छोड़ के चली गई, वाइफ की फरियाद थी घर से बाहर करा कर, तीन बच्चे थे। वाइफ ने कोर्ट में हेबियस कॉर्पस पिटीशन डाले, बोले हस्बैंड के पास बच्चे हैं, मुझे मिलने तक नहीं देते, मैं उनके बिना जी नहीं पाऊंगी, मुझे बच्चों की कस्टडी दिलवाइए। हमने नोटिस निकाला, हस्बैंड को कहा बच्चों के साथ कोर्ट में हाजिर रहिए। सबसे पहले बच्चों से बातचीत करी चेंबर के अंदर, तीन प्यारे प्यारे बच्चे थे। एक बड़ी दिखरी बेटी थी, वो करीब 13-14 साल की थी, बड़ी समझदार सरानी। उसके दो भाई थे, ट्विंस। लिया पर हमारे आर्थिक जो स्थिति है उसके अंदर हम जरूर उसको करेंगे। मेरा पूरा भरोसा है आप तीनों जस्टिस और चीफ जस्टिस महोदय के ऊपर और आदरणीय लॉ मिनिस्टर के ऊपर, इसको हम साकार बहुत जल्दी करेंगे। कोरोना हमको इसको रोक नहीं सकता, मुझे कुछ भी कष्ट हो किंतु हम इसको बनाएंगे। और आपके ऊपर और आपके जस्टिस के ऊपर मेरा पूरा भरोसा है, आप लोग इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से त्रिपुरा का नाम रोशन करेंगे। और हम इतना भी गरीब नहीं है, मैं जानता हूँ आप गुजरात से है, बहुत ही हेल्दी स्टेट है वो स्टेट। आज के दिन में गुजरात से जितने भी बड़े बड़े बिजनेस है वहाँ से आता है, और सबसे बड़ी बात है गांधी की भूमि से जन्म लिया हुआ है। तो मैं साथ साथ ये भी कहता हूँ, नरिया भी महाराजा वीर विक्रम कृष्ण मानकी की भूमि है, महात्रिपुरेश्वरी का ये धरती है जिसको हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन बौद्ध जैन सब लोग मानता है, सबके लिए खुला है माँ का धर्म। ऐसा मुझे लगता नहीं पूरे देश में कहीं है, और मैं आप लोगों को भरोसा करता हूँ जो त्रिपुरा के लॉ एंड ऑर्डर को वो तो होम डिपार्टमेंट देखता है, किंतु महिला के ऊपर जो अत्याचार करने वाले लोग हैं, जो ड्रग्स के बिजनेस करता है उसमें लगे हुए मेरे जनरेशन को खत्म करता है, ऐसे लोगों को हम सजा दिलाने में सफल रहेंगे। और कन्विक्शन रेट को बढ़ाना है हम लोग, ऐसे लोगों को सबक मिले जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन को नुकसान ना करें। टेबलेट देखे या बार जैसे देखे हीरोइन ब्राउन शुगर जिसका नाम मैंने कभी सुना नहीं, मैं भी त्रिपुरा में था, आज ये सब पहुँच गए, उसको रोकना है, उसको बंद करना है। मैं आप लोगों का सहयोग चाहता हूँ, बस मेरे को मिलता भी नहीं, मैं देखता हूँ किस केस में बेल दिया किस केस में बेल नहीं दिया, बस कोशिश करता हूँ उस सब में नज़र रखने। और मैं आप लोग वहाँ बैठे हैं इसलिए मैं अपने को सुरक्षित महसूस करता हूँ, त्रिपुरा का जनता भी मैं करता है कि सरकार सभी सिद्धांत सटीक करेगा ऐसा होती नहीं है, किंतु आप लोग उसमें उंगली देखे दिखाने वाले लोग हैं, सही जो है वो दिखाने वाले लोग होना चाहिए, तब गवर्नेंस मिलता है जनता को। और मैं जस्टिस कुरेशी जी के ऊपर पूरा भरोसा है, तो उनके अंदर इंसानियत है, अच्छे पिता का मैंने उनके अंदर रूप देखा, उनके अंदर मैंने जुनून देखा,
आज भी बोलता हूँ, मुझे नहीं लगता मैं त्रिपुरा में बहुत घुमा हूँ। मैं एक राजनीतिक दल का प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ, मैं बहुत घुमा हूँ, 2-2.5 लाख किलोमीटर त्रिपुरा में घूम चुका हूँ, किंतु मुझे ऐसा व्यक्ति नहीं मिली इस एज में। इतना जुनून नहीं है, इतना हिम्मत है। त्रिपुरा से बाई कार गुजरात पहुंच गए। मैं भी एक समय आया था 2005 में बाई कार में, मैं दिल्ली से मेरे गांव तक आया था बाई कार। तो मुझे मैंने देखा, मैं ही सोचता था मैं एक जुनूनी आदमी हूँ। जब आपको मैंने देखा तब मैं मान गया तो हमसे भी जुनूनी आदमी त्रिपुरा में है और गांधी की भूमि से है। मैं दोबारा आप सभी को इस कार्यक्रम के लिए और आप लोगों का जो पॉजिटिविटी के साथ सरकार के साथ जनता के साथ देते हुए आप लोग काम करे जा रहे हैं, मैं इसलिए आपको धन्यवाद देता हूं। और मैं आशा करता हूं अभी जो कोविड के सेकंड वेव चल रहे हैं उसमें आप लोग अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहें और सुस्त रहें। ऐसे त्रिपुरा में जो व्यवस्था है, हमारे पास जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमने फर्स्ट वेव से सेकंड वेव में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड किया है हुआ है, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर हो, ऑक्सीजन प्लांट हो, चाहे वो आईसीयू बेड हो, और डिसेंट्रलाइज्ड। पहले वेव में हम सिर्फ जीबी में ही कर पाए थे 221 पे, तो आज के दिन में हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज वेंटिलेटर का, ऑक्सीजन बेड का, ऑक्सीमीटर का, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का, जिसका नाम त्रिपुरा के लोग जानते नहीं है, गांव गांव में वेंटिलेटर जानता है, ऑक्सीजन सिलेंडर जानता है, ऑक्सीमीटर जानता है। तो ये सब चीज़ से हमने परिचित हुई है और हम कोशिश करते हैं हमारे जो भी आर्थिक स्थिति है उसके अंदर उस काम को करने के लिए। और मैं त्रिपुरा के जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो आप लोगों ने जनता के कर्फ्यू हो, हमारा नाइट कर्फ्यू हो और कंटेनमेंट जोन हो, जब भी हमने घोषणा किया आप लोगों ने उसको सही ढंग से निभाने की कोशिश की है। वही एक रास्ता है उस इस युद्ध से वो जीतना है। और मेरा पूरा भरोसा है आप लोगों का, जैसे साथ मिलता रहा है सरकार को, सरकार नहीं जनता है, सरकार कोई अलग विप्लब सरकार नहीं है, विप्लब एक व्यक्ति है उस कुर्सी में बैठा हुआ, उसके साथ कैबिनेट है, सरकार जो हमारे 37 लाख जनता है वो है। मैं जनता के लिए कुछ करना चाहता हूँ, किंतु मेरे कार्यकाल में लगभग 1.5 साल थे, कोरोना ने मुझे पीछे कर दिया, किंतु मैं पीछे जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरे पास जो देखने वाले ऐसा चीफ जस्टिस है इस एज में, उनके अंदर इतना जुनून है, इतना समर्पण है, इतना पंचुअलिटी है, मैं आपको बोलता नहीं किंतु मैं देखता हूँ। चीफ जस्टिस साहब के भाषण बहुत ध्यान से सुन रहा था। मैं भी एक बात को आज शेयर करूंगा, मैं कुछ लिख के लाया था, मैं उसको बोलना नहीं चाहता। मुझे आपके अंदर बहुत अच्छा इंसानियत दिखता है सर। पता नहीं त्रिपुरा के सब लोगों को पता है क्या, नहीं आज पता चलना चाहिए। पिछले बार फर्स्ट वेव में जब कोरोना त्रिपुरा में आई, पूरे देश भर में, पूरी दुनिया में, मैंने आपके अंदर एक अच्छे इंसान, एक अच्छे पिता और उसका फीलिंग को महसूस किया। मुझे पता नहीं त्रिपुरा से कोई पिता बाई रोड में और इस एज में, इस जो 50 उर्ध एज है, वो बाई कार में जब ट्रेन हवाई जहाज बंद थी, अपने अगरतला से गुजरात तक, गांधी जी का भूमि में आपका जन्म हुआ, आप ऐसे सौभाग्य हैं आपका, वहां तक आप पहुंचे हैं, अपने बेटे को देखने के लिए, उनको सेवा करने के लिए। मुझे नहीं लगता त्रिपुरा में ऐसा इतने लंबे जर्नी करके अपने बेटे को देखने, अपने परिवार को देखने वाले कोई व्यक्ति दूसरा है। तो मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ और आपको भी
आपके अंदर एक अच्छे चीफ जस्टिस के जो गुण है वो तो है ही है, साथ ही साथ अच्छे इंसान तो मैंने आपको अंदर वो रूप देखा। मुझे दिक्कत भी हो रही थी कि मेरे चीफ जस्टिस से बाई रोड जा रहा है, एक बार गुवाहाटी में पूछ रहा था, एक बार लखनऊ में, एक बार कहाँ है, और डीजी को भी पूछ रहा था, चीफ सेक्रेटरी पूछ रहा था कहाँ है चीफ जस्टिस साहब। क्योंकि इस ऐसे क्राइसिस में इतना हिम्मत वाला इंसान ये गांधी की भूमि से हो सकता है। और साथ ही साथ मेरे तीनों जो जस्टिस है इस भूमि से है, जस्टिस तलपत्र को मैं छोटे से जानता हूँ, लोध को मैं जानता हूँ, चट्टोपाध्याय को जानता हूँ, मैं सरकार चलाता हूँ और मेरा मैं पहली बार विधायक हूँ, फर्स्ट टाइम मैं सीएम बना हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ और मैं देखता हूँ समय समय पर आप लोगों का जजमेंट, आप लोगों का जो व्यवहार वो प्रूव पीपल जनता के हित में आप लोग काम करते हैं। और इसलिए मुझे गर्व है, मुझे ऐसे चीफ जस्टिस और ऐसे जस्टिस मिली हुई है और ऐसे जुडिशियल सिस्टम मिली हुई है। क्योंकि मैंने बहुत सारे राज्यों में देखता हूँ, हमारे भी बहुत सीएम दोस्त है तो कभी कभी बात भी करता हूँ। त्रिपुरा में पता नहीं इस धरती में अलग ही कुछ होता है। और आप कितने सुंदर ढंग से त्रिपुरा का आर्थिक स्थिति को जानते हुए अपने भाषण में प्रस्तुति की है। जब भी मैं आप लोगों से मिलता हूँ, मैं आप लोगों का जो डिसिप्लिन सेवा करना था मैं गर्वित होता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अपने जो इस बार जो हाईकोर्ट के वर्षी पर बहुत सारे महामान्य जस्टिस को, चीफ जस्टिस को आपने बुलाया, मुझे गर्व होता है जब कोई सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस आता है और चुरमुरा को देखने के लिए जाता है, उसके बाद ऊनकोटी के बारे में बोलता है, तो ये आपके इनिशिएटिव के कारण से होता है। ये त्रिपुरा के जनता के लिए बहुत ही अच्छी एक सौगात है। और आपने मुझे गर्व है जो आप लोग त्रिपुरा के हाईकोर्ट में आसीन है, और इससे जरूर आगे जाके और भी त्रिपुरा को लोगों को अच्छे रास्ता मिलेगी। और हमारा जो सपना है त्रिपुरा को एक मॉडल स्टेट बनाना है, अच्छे जीवन शैली देना है लोगों को, वो करने में हम लोग सफल रहेंगे। मैं सबका साथ चाहता हूँ और जैसे आप लोग जनता के लिए काम कर रहे हैं आगे जाके और भी अच्छे से काम करेंगे, ऐसे मेरा पूरा विश्वास है। मैं दोबारा आप सभी लोगों को जो लोग इन्वेस्टर प्रोग्राम में हैं सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और साथ साथ मैं सापरों के विधायक को कि उनके यहाँ एसीजेट भी चला गया, इनके यहाँ लॉजिस्टिक हब भी हो गया, इनके यहाँ जो रेलवे के गुड्स के एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने के लिए जो स्टेशन वो भी बन गया है, आईसीपी बन गया है, उनका जो बांग्लादेश के साथ जो हमारे मैत्री सेतु वो भी कंप्लीट हो गया है। और ये सब साउथ वासी को बहुत बड़ी उपलब्धि है और दक्षिण को एक नया दिशा देगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मैं दोबारा आप सभी लोगों को इस वर्चुअल कार्यक्रम में जो लोग उपस्थित हुए हैं सभी को मैं बधाई देता हूँ। साथ साथ एक विनती करता हूँ, आप लोग खुद भी सुरक्षित रहिए पर अपने परिवार के आसपास जो भी रहे इस समय उसको भी सुरक्षित रखिए और एक दूसरे को मदद करिए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस 18।